सब गाइस के हाल है तुम्हारे सारे हैं, तो तुम्हारा स्वागत है दाशिम लाइट के एक नए व्लॉग में। और अब तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारा दाशिम लाइट है कहाँ, क्या खेड़ कर रहा है। तो शिमला में हूँ मैं आज वाटर कैचमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एशिया के सबसे डेंस मतलब सबसे घना जो जंगल है वहाँ पे। और मेरे साथ है वन एंड ओनली हमारे रेप्टा जी, जो कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं और आगे भी देते हैं साथ। तो मैं और रेप्टा जी आज एक्सप्लोर करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रेप्टा जी क्या आप रेडी है? बिल्कुल रेडी। तो चलते हम यहाँ से और निकलते आगे की तरफ और शुरू करते हैं शुरू से। चलिए तो जनाब, जो आपकी ये जगह है, ये जगह कहाँ पे है? ये जगह है शिमला सिटी से थोड़ी सी दूर ढली के पास, वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर आगे पैदल आ सकते हैं आप या गाड़ी में भी आ सकते हैं। ये सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली होती है, अगर किसी ने यहाँ आना है तो उसके बीच में आ सकता है। और ये मंडे को बंद रहती है, तो मंडे को अगर यहाँ आए तो तुम्हारा कट जाएगा, तो मंडे को मत आओ। और हमने अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, रेप्टा जी पार दिखा दो। तो ये हमने पूरा रास्ता तय करना है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे और अभी टाइम भी 2 बज रहे हैं। तो चलते तुम्हारे से और आगे मिलते हैं। और इस जगह की हिस्ट्री भी बताता हूँ मैं तुम्हारे को, इस जगह की क्या हिस्ट्री है, कैसी ये सेंचुरी बनी, कैसा ये फॉरेस्ट बना, सब कुछ बताएंगे बाबा आपको। आप चलो तो बस आ जाओ। तो अभी मैं और रेप्टा जी कहाँ पे, अभी मैं और रेप्टा जी 1 या 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और अब हमें यहाँ पे शेड के पास, एक जो शेड है जो बैम्बू से बना है, बांस से बना है, पर इसमें एक सीन हो गया है। क्या सीन हो गया है कि हम इसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं, मतलब या तो ये लॉक हो गया या ये बंद हो गया और हमारे को पता नहीं चल रहा, और हमने इसके अंदर जाना भी था। तो रेप्टा जी ने पूरी कोशिश कर दी है, पर मेरे तेज दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं अब अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करूंगा और रेप्टा जी को इसके अंदर पहुंचा के रहूंगा। तो मैं और रेप्टा जी अभी इसके अंदर जाएंगे। अब तुम ये मत पूछना बस कि कैसे गए इसके अंदर, बस देख लो कि हम इसके अंदर गए हैं। चलिए फिर रेप्टा जी, चलिए चलिए। तो व्हाट इज अप गाइस, तो दाशिम लाइट जिला शिमला का सबसे खेड़ी बंदा आ चुका है इस शेड के अंदर। तो इस शेड की पड़ताल करते हैं। तो इस शेड को बनाने के पीछे मकसद क्या है? इस शेड को बनाने के पीछे का मकसद ये लगता है मेरे को कि अगर जैसे बारिश हो गई ना और तुम यहाँ पे आए हो साइकिल में या पैदल, तो तुम यहाँ पे मतलब कुछ वेट कर सको, बारिश रुकने का वेट कर सको। और इसके अंदर वैसे कुछ है नहीं, हम गए थे इसके अंदर बिल्कुल खाली अंदर से, तो यही है जो है। बाकी एक बार तुम्हारे को मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ क्या सीन है इसका। वैसे अंदर से कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली है। हाँ यही है बस बैठने के लिए है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं अंदर। तो अब जहाँ पे हमने पहुंचना है वो यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है वो जगह, तो हमारे को थोड़ा जल्दी चलना होगा ताकि वापिस भी जल्दी आ जाए। पर वैसे तो हम बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, क्यों रेप्टा जी? तो मेरे भाई और उनकी बहनों, अब तुम सोच लोगे कि इतना घना जंगल है, यहाँ पे जानवर नहीं है, शेर चीता नहीं है, तो हमारे को तो मिले नहीं है, क्या पता हो भी, क्या पता ना भी हो। जगह जगह पे ये चीज बनी हुई है, और इसमें दिखाया गया कि यहाँ पे कौन कौन से मतलब बर्ड्स है, तो मतलब यहाँ पे जानवर तो नहीं मिलेंगे, पर ये सारी वैरायटी तुम्हारे को देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी वैरायटी मैं दिखाता हूँ, जितने भी यहाँ पे पक्षी है ये सारे तुम्हारे को इन्हीं जंगलों में देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। पर वो देखने के लिए तुम्हारे पास दूरबीन होनी चाहिए, तो अगर तुम अगली बार यहाँ आओ तो उसको जरूर लाओ। तो हम तो नहीं लाए क्योंकि हम नहीं देखना चाहते भाई। तो रेप्टा जी क्या कहना है आपका इस बारे में, अच्छी चीज है ना ये? है तो अच्छी चीज। हाँ बाकी जेब चूब चेक कराओ अपनी, कुछ आप नशे नुशे तो नहीं करते? नहीं करते, गुड बॉय। तो हमारे को चलते चलते मिल चुका है यहाँ पे ऊपर एक ब्रास का फूल, और अब हम इसको निकालने का प्रयत्न करेंगे ऐसे। तो ये है ब्रास का फूल, मतलब ये लास्ट फूल है इस पेड़ में बचा हुआ, तो इसको हम रेप्टा जी को इसी फूल के साथ प्रपोज कर देंगे। रेप्टा जी लो, आई लव यू। और चलते चलते यहाँ पे रेप्टा जी को दिख गया एक और पेड़, जिसका नाम है रई का पेड़, हिमालयन स्प्रूस। और ये होता है वो पेड़, जिसने नहीं देखा हो तो देख लो, ऐसा दिखता है। अब हमारे को मिल चुका है सबसे फेवरेट बर्ड है ना जो पहाड़ियों का, वो कौन सा बर्ड है? इधर आओ मैं दिखाता हूँ, वो है ये पहाड़ियों का सबसे फेवरेट। समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझा आ जाओ समझाता हूँ। मतलब इनका पता क्या सीन है, ये होते तोते, तो मतलब जैसे रेप्टा जी के सेब के खेत है, तो ये क्या करते हैं रेप्टा जी? सेब, ये मतलब सेबों को खाते हैं ये तोते ना, जब पेड़ में सेब लगते हैं ना तो ये उन सेबों को खा जाते हैं ये वाले तोते। तो यही सब समझ गए ना तुम। और ये आवाज कैसी है, कौन है वहाँ ऊपर? नीचे आओ हमसे मिलो। एक क्या है ये है रेप्टा जी की, मतलब जो मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसे सब बोल रहे हैं यहाँ पे ना। तो अब मैं बताऊंगा तुम्हारे को इस जो ये सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो इसके पीछे की बाबूजी हिस्ट्री ऐसी है कि एक राणा हुआ करता था कोटी का, तो उस राणा ने 1878 में ये जितनी भी जमीन है ना ये सेंचुरी की, ये लीज पे दे दी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो उसके बाद ये सेंचुरी गई 125 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, फिर 2006 में गई ये सेंचुरी
उस टाइम ये सेंचुरी नहीं बनी थी, उस टाइम ये जंगल गया हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। फिर 2009 में जाके इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, यहाँ पे ये सब कुछ बनाया गया ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आए और घूमे फिरे। और दो चीजों के लिए ये जगह बनाई गई, पहली चीज थी वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरी चीज थी ये मतलब यहाँ पे आगे ना यहाँ पे एंड में जाके वाटर सप्लाई होती है शिमला को, तो वो भी आपको दिखाते हैं यहाँ से आगे जाके। और फिर अब चलते अब यहाँ से आगे और फिर बाकी बातचीत रास्ते में करते हैं। बाकी रेप्टा जी भी कैमरा पकड़ के थक गए होंगे। रेप्टा जी कैसा महसूस हो रहा है आपको बता दो। बाबू जी गर्दन में दर्द आ गई। गर्दन जो खाए जर्दा कभी नहीं मरता, जर्दा खाओ। चलो तो क्या ही बोले दोस्तों, इतना सारा ज्ञान खोदने के बाद दाशिम लाइट और रेप्टा जी चले हैं और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। थक तो नहीं गए रेप्टा जी आप? थक तो गए। थक गए आप नहीं फिर पार्टी नहीं आप इसी जगह पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आओ। कहाँ शिमला के साथ आ रहे हैं आप? गर्लफ्रेंड जब बनेगी तब जरूर आएंगे। क्यों, मैं नहीं हूँ आपका प्यार? पहला प्यार बात नहीं। आपको गर्ल्स से प्यार है कि बॉयज से? आज बताई दो रेटा जी, आपको बॉयज से प्यार है या गर्ल्स से प्यार है? गर्ल्स से। गर्ल्स से। तो जितनी भी गर्ल्स वीडियो देख रही है कमेंट कर दो रेप्टा जी आई लव यू टू, बात ही खत्म हो जाएगी माँ के समझे। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि दाशिम लाइट के अंदर कितना गुदा है, कितना गुदा है दाशिम लाइट के अंदर बताऊं रेप्टा जी आपको। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि नो पेट्स आर अलाउडेड इन द सेंचुरी, पर फिर भी शिमला लाइट ने क्या किया है? क्या किया शिमला लाइट ने रेप्टा जी? कुछ नहीं किया रेप्टा जी, चलो आओ। तो गाइस ये है कतुचो के पेड़, ऐसे दिखते है वो। और एक खास बात, ये पेड़ सिर्फ वॉशरूम के पास ही उगते है। और एक बार ऐसा सीन हुआ था जब मैं यहाँ पिछली बार आया था ना, तो इसी पॉइंट पे मैंने शायद हिरन देखा था यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, पर उस टाइम हो गई थी शाम के 4 या 5 बज रहे थे। तो यहाँ पे तभी तो 4 बजे के बाद ये सारा बंद कर देते हैं, क्योंकि 4 या 5 बजे के बाद यहाँ जंगली जानवर निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या करना, साइड करना है यहाँ से? यहाँ से नहीं कूदना यार, यहाँ से मारेगा नहीं तू, आगे बताऊंगा दूसरी जगह। तो गाइस ये है बांस, तो ये है बांस के पेड़। यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब हाइट बहुत होती है इनकी और अभी ये पतले है बहुत। हाँ बिल्कुल, रेपटे की तरह कमजोर है बेचारा। तो बस अब यहाँ से आगे पहुँचने वाले, 2 किलोमीटर बचा रेपटा जी, चलते जल्दी जल्दी। यूरिया डालूंगा मैं, इनको एनर्जी मिलेगी उससे। तो गाइस ये रही हमारी सेंचुरी। हिमाचल सरकार क्या कहते हैं आप रेप्टा जी इसके बारे में? शड़बड़ी कह दो कुछ, ये भी कह दो, इसके बारे में भी कह दो और इसके बारे में भी कह दो, शब शब बोलो। इसके बारे में तो मैं ये कहूंगा जिन्होंने ये पेड़ काटे हैं ना, खीर बनने से पहले चावल होते हैं चावल, दूध होता है दूध। खीर बनने से पहले चावल होते हैं चावल और दूध होता है दूध। अभी मैं रेप्टे को यही तो मैं रेप्टे को समझा रहा था कि रेप्टे तभी तो मैं खिलाता नहीं हूँ तेरे को यार, क्यों खिलाऊं मैं तेरे को यार, क्यों खिलाऊं, तू ही बता क्या मतलब तुम मेरे को नहीं। तो भाइयों और उनकी बहनों हम पहुंच चुके हैं यहाँ से, मतलब 1/2 किलोमीटर बचा है जहाँ हमने जाना है। और यहाँ से एक ऊपर को जो रास्ता जा रहा है रेप्टा जी दिखाओ, ये रास्ता यहाँ से जाता है एक रेस्ट हाउस से कोई 1 किलोमीटर आगे। तो करना है रेप्टा जी आपने रेस्ट, क्या कहते हैं आगे चले? रेस्ट नहीं करते हम तो चलो बाबा जी आगे चलते है। चलिए तो पहुंच चुके हैं हम जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, यहाँ पे आगे बस यहाँ से थोड़ा सा 100 मीटर आगे है। तो दिखाते हैं तुम्हारे को वाटर कहाँ स्टोर होता है, कितना स्टोर होता है और कब स्टोर होता है और किस लिए स्टोर होता है, किस लिए तुम्हारे को नहीं पता है, कैसे होता है स्टोर वो दिखाते हैं। आ जाओ। तो हमारे को रास्ते में ना कोई जंगली जानवर दिखा ना ऐसा कुछ दिखा जो हम तुम्हारे को मतलब जिसको देखे हमारे को ज्यादा ही कुछ खुशी हुई हो। तुम्हारे को भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, बस यहाँ पे बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज मिलेगी और प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज मिलेगी, इसके अलावा और कुछ है नहीं इतना यहाँ पे। बाकी तुम साइकिलिंग करके भी आ सकते थे और हमारी तरह पैदल भी आ सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि साइकिलिंग तो सभी कर रहे हैं और हमें साथ में ब्लॉग भी बनाना था, तो हमने सोचा पैदल ही चलते रेप्टा जी के साथ साथ। तो अभी हम पहुंच गए, यहाँ से आगे कुछ नहीं है, यहाँ बस वाटर स्टोर होता है, बस यहाँ से थोड़ा सा आगे एक झरना है, वो भी मैंने किसी से सुना था कि झरना है पर वो बहुत आगे है यहाँ से, तो वहाँ नहीं जाएंगे, तो हम बस यहाँ यहीं तक जाएंगे जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे वाटर स्टोर होता है, क्या सब होता है। चलो तो अब चलते हैं हम यहाँ से अंदर, यहाँ से आगे बताया क्या, यहाँ से पानी का बहुत बड़ा टैंक है जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, वहाँ देखते हैं क्या सीन है, आ जाओ। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, और ये जो पानी है ना ये ऐसा नहीं है कि ताज़ा पानी है, ये बहुत पुराना पानी है और ये पता नहीं बहुत कम है, मतलब मेरे को नहीं लगता यहाँ से किसी जगह वो पानी जाता होगा, ये बस ऐसी वाटर स्टोर करने के लिए लग रहा है। तो अब हम चलेंगे जरा देखते आगे कुछ है यहाँ पे कि इतना ही है। तो रेप्टा जी कैसा लग रहा है आपको 7 किलोमीटर चलने के बाद जब आप ये नज़ारा देखते हैं? भाई जी मुझे बता कैसा महसूस हो रहा है कि मैं मदर, अगर तुमने आना है तो पूरे मत आओ आगे तक, ढुलने आना है तो तुम आधे रास्ते तक आ सकते हो, फिर वापस भी जा सकते हो, क्योंकि आगे यहाँ तक आने के बाद ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि जो देखने लायक हो, तो यहाँ आके ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कुछ मिलेगा आगे यहाँ पे। बाकी अगर रेप्टा जी यहाँ जाते हैं नीचे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। जाते हो आप, जाना चाहते हो रेप्टा जी यहाँ से नीचे? चले जाओ यार, क्यों, मजा आ जाएगा। दो चीजें बहुत डर लगता है, एक पानी हो गया, दूसरा हाइट होगी। तीसरी चीज पता क्या है मुझे डर लगता है, आगे चलो मैं बताता हूँ क्या ढूंढ रहे हैं आप रेप्टा जी, इसके अंदर डालो, इधर हाथ डालो अंदर। तो अब हम निकल रहे हैं
यहाँ से बाहर क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं ऐसा पर। तो अब मैं और रेवटा जी जाएंगे यहाँ से सीधा अपने अपने घर। और रेवटा जी आप कुछ कहेंगे ऑडियंस को जाते जाते? बाकी यहाँ इतना लायक कुछ है नहीं है देखने के लिए, फिर भी यार टूरिस्ट क्यों आते हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। 20 घंटे नहीं आते हमारा जैसे छलारू आते हैं यहाँ पे देखने की क्या सिस्टम चल रहा है। चलो अगली बार कहीं ऐसी जगह जाएंगे कि मतलब जो जगह दिखाने लायक हो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, पर तुम आ सकते हो अगर तुम्हारे को शांति पसंद है और दोस्तों के साथ आना चाहते हो तो तुम यहाँ आ सकते हो। गाइस आज का ब्लॉग इसी के साथ खत्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर रेवटा पसंद आया होगा तो रेवटे को कमेंट में बोल दो आई लव यू रेवटा जी, शादी कब करनी है। तो मिलते तुम्हारे से अगले व्लॉग में। अगर ऐसी रोमांचक कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो किसी और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर रोमांचक नहीं लग रहा है। तो बाकी मिलते हैं, ओके बाय।